बाइक ने ना एक्चुअली यार दुखी कर दिया है राइट। तो तब तक ये वाला इश्यू अगर सॉल्व नहीं होता ना तो भाई मुझे बाइक सेल ऑफ करनी पड़ेगी। अब बाइक का लोड ज्यादा है, हैवी है, चेन की जो कड़ियां होती है वो लंबी है, हमें नहीं पता। तो 5,000 ब्रेक पैड की कॉस्ट, 4,000-5,000 पे सर्विस 9,000 हो गए, और अगर गलती से आपकी बाइक 10,000 किलोमीटर चल गई तो आपको लग जाएगा चेन सॉकेट का भी इशू, तो उसके जोड़ लो 12,000-15,000 रुपए, तो मतलब 10,000 किलोमीटर चलाने की कॉस्ट इसको आएगी 25,000 रुपए। अच्छा, वो भैया चेन सॉकेट वाले पे कोई अपडेट है इसकी? तो हम इनसे पूछते हैं कॉस्ट, चेन पॉकेट की कॉस्ट क्या है सुपर मीटियोर की? तो भाइयों आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है, इसकी चेन को तोड़कर छोटा करा जा सकता है। तो भाई तो दोस्तों जो इसके स्पार्क प्लग हैं उसको कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मेरे लिए चेंज करा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे यार। लेकिन पता है इस बाइक ने ना एक्चुअली यार दुखी कर दिया है, क्योंकि इस बाइक के साथ ना बहुत सारे मेजर इश्यूज आ रहे हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे लोग इसको चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूं दोस्तों, तो यार बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, काफ़ी सारे मेजर इश्यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए इसको खरीदने से पहले। एंड यार मैं सही बता रहा हूँ ईमानदारी से कि भाई इस बाइक को मैंने लिया था अप्रैल में, यानी बाइक लॉन्च हुई थी January 12 में राइट। तो तब तक ये वाला इशू अगर सॉल्व नहीं होता ना तो भाई मुझे बाइक सेल ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यार मेरे को यार ये चीज़ें भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और इन चीज़ों के लिए बार बार परेशान होना सही नहीं लगता यार। तो वो क्या है और क्या करने वाले हैं आज सब कुछ बताता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर द सुपर मीटियोर ओनर्स और जो भी आ रही की बाइक खरीदने वाले हो। सो दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना होगा कि यार इसके ब्रेक पैड बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं या हीट कर रही है या फिर बहुत सारे इश्यूज हैं। मैंने भी काफी सारे वीडियोस बनाई है एंड दोस्तों मैं इस बाइक को काफी चला चुका हूँ, लद्दाख की ट्रिप भी कर चुका हूँ मैं इस पे एंड सिटी में भी चला चुका हूँ एंड दोस्तों उसके अलावा ट्रैफिक वगैरह मतलब हर जगह मैं राइड कर चुका हूँ। इसके साथ काफी सारे इश्यूज हैं, तो इस बाइक के साथ काफी सारे इश्यूज हैं नो डाउट दोस्तों, देखने में बहुत अच्छी लगती है बाइक एंड लेकिन दोस्तों जो मेन इशू आ रहा है ना इस बाइक के साथ वो है इसके चेन पॉकेट का इशू राइट। एंड उसी सिलसिले में हम आज अभी सर्विस सेंटर भी जाने वाले हैं। तो यार अगर आपको नहीं पता है तो यार ये जो इसका चेन पॉकेट है राइट ये बहुत जल्दी घिस रहा है, सारे सुपर मीटियोर ओनर के साथ ये हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे अपनी नई बाइक में देखना या पुरानी में देखना यहाँ पर देखोगे एडजस्टमेंट के लिए जगह नहीं है। तो जब मैं इसको लद्दाख लेके गया था तब मुझे ये बात पता चली कि मुझे इसका चेन सॉकेट चेंज कराना पड़ेगा 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद ही, विच इज अ वेरी बैड थिंग दोस्तों। तो उसके बाद मैंने इसको सर्विस सेंटर में दिया, 2 दिन मेरी बाइक सर्विस सेंटर में खड़ी हुई, आरी की प्लांट टीम आई, उन्होंने चेक करा और जो ये चेन पॉकेट देख रहे हो दोस्तों ये बिल्कुल नया चेन पॉकेट है, थोड़ा गंदा हो गया है, चेन लूप थोड़ा ज्यादा हो गया है राइट, थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन दोस्तों ये ना बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। मतलब इसके बाद मैंने बाइक सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर चलाई है, तो देख सकते हो इसके बाद भी इतनी सी जगह है बस खाली। तो ऐसा सा कुछ हिसाब है और ये सारी सुपर मीटियोर के साथ है। अब बाइक का लोड ज्यादा है, हैवी है, चेन की जो कड़ियां होती है वो लंबी है, हमें नहीं पता। तो दोस्तों जब मेरी बाइक सर्विस सेंटर में थी तो उस टाइम जो आरी की प्लांट टीम से जो मेंबर आए थे उन्होंने ये बताया था कि सर इसका जो एडजस्टर होता है ना वो भी छोटा है, उस पर प्लांट टीम काम कर रही है और बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। तो यार वो ना उसको 2-3 महीने हो गए हैं, कोई भी अपडेट नहीं आया है, और दोस्तों आप इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करते हो, सोचो अगर आपको 5,000-7,000 किलोमीटर या मैक्स टू मैक्स 10,000 किलोमीटर चलता ही है चेन पॉकेट, अगर आपको हर 10,000 किलोमीटर पे चेन पॉकेट बदलवाना पड़ेगा तो कितनी बेकार बात है राइट। एंड जो मेजर कंसर्न है दोस्तों वो है इसकी कॉस्ट, एंड उसी की वजह से मैं आज सर्विस सेंटर भी जा रहा हूँ, क्योंकि यार कॉस्ट का ना मुझे बहुत बहुत मतलब प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि यार अगर ये कॉस्ट बहुत ज्यादा हुई एंड सोचो अगर आरी कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं निकालती तो आपको पर 7,000 और पर 10,000 किलोमीटर के बाद चेन पॉकेट चेंज करना होगा एंड दोस्तों उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होने वाली है। एज पर माई नॉलेज इसकी कॉस्ट जो थी 5,000-6,000 रुपीज थी, लेकिन फिर किसी ने कमेंट करा कि भाई इसकी कॉस्ट 10,000-12,000 है एंड दोस्तों फिर पता चला कि इसकी कॉस्ट 20,000-22,000 रुपए है। मुझे लगता नहीं इतनी होगी, बट दोस्तों जो भी होगी ना आज सर्विस सेंटर में वही पता करने के लिए जा रहा हूँ, और इसके ब्रेक पैड भी बहुत जल्दी घिस रहे हैं, तो अभी मुझे इसके फ्रंट के ब्रेक पैड चेंज कराने हैं। जैसे मैंने बताया था पीछे के ब्रेक पैड चेंज हुए थे वो 2,800-3,000 के समथिंग हुए थे, और फ्रंट के थोड़े सस्ते हैं, बताते हैं आपको जो भी प्राइस होता है, लेकिन मेन कंसर्न तो दोस्तों वही है। तो आज मैं पूछने वाला हूँ कि भाई कितने का है एक्चुअली, यार पता तो चले राइट। तो अब मिलते हैं आपसे मोटर ब्लॉक सेटअप पर एंड थोड़ा लेट हो गया तो जल्दी से चलते हैं सर्विस सेंटर। तो दोस्तों बाइक पर आ गए हैं, अब जल्दी से निकलते हैं सर्विस सेंटर एंड यार बहुत ही कंसर्निंग लग रहा है मुझे यार, मतलब यार थोड़ा सा आप इसको चलाओगे 5,000-7,000 किलोमीटर चलाओगे फिर चेन सॉकेट चेंज होगा, फिर चेन सॉकेट चेंज होगा, तो यार आप एक लंबी राइड भी प्यार से ना कर नहीं पाओगे, बहुत कंसर्निंग है यार ये राइट। तो चलते हैं देखते हैं क्या कॉस्ट वगैरह आती है एंड निकलते हैं यहाँ से। एंड दोस्तों इतनी फ्लैगशिप मोटरसाइकिल में जहाँ पर आप ऑलमोस्ट 4,500-5,000 रुपए खर्च कर रहे हो, अगर ऐसा हो रहा है तो यार ये गलत चीज़ है ना। मीटियोर 350 थी मेरे पास,
उसकी 25-30 हज़ार किलोमीटर मैंने चलाया था, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी इससे रिलेटेड। लेकिन इसकी चेन जो है बहुत जल्दी लूज हो रही है, बहुत जल्दी जो आगे की गरारी होती है वो घिस रही है। तो यार दोस्तों इसको चेन सॉकेट भी आपको चेंज कराना पड़ेगा, तो ये बहुत ही कंसर्निंग है। एंड दोस्तों मेरे हिसाब से तो आरी को इसको जल्दी से जल्दी यार सॉर्ट करना चाहिए। अगर वो सॉर्ट नहीं करते दोस्तों, एंड उनकी तरफ से कोई अपडेट भी नहीं है ऑफिशियली, एटलीस्ट उनको अपडेट देना चाहिए कि भाई हम वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, ये इसके अंदर इशू आ रहा है, इस पर वर्क चल रहा है, आप टेंशन मत लो। मतलब यार कोई कदर ही नहीं है कस्टमर की, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो दोस्तों जब मैंने पहले भी रेस करा था तो उस टाइम मेरा चेन सॉकेट चेंज हो गया था, तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा चेन सॉकेट चेंज हो गया था दोस्तों, क्योंकि अच्छे सर्विस सेंटर वाले थे, उन्होंने कर दिया था। तो दोस्तों मेरे लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो गया था, लेकिन मैं जब सुन रहा हूँ मेरे को कॉमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पर भाइयों के कि यार हमसे तो पैसे मांग रहे हैं सर्विस सेंटर वाले इस चीज़ के। अब भाई यार बात पैसे की भी नहीं है, बात यह है कि इतनी जल्दी यार मतलब ख़राब होना मतलब भी नहीं बनता बिल्कुल भी, है ना। तो दोस्तों मेरे लिए तो एक बार ही चेंज कर दिया था राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन दोस्तों सर्विस सेंटर वाले भी कितनी बार इसको चेंज करेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो कि कंपनी को सॉल्व करना चाहिए। तो उसी सिलसिले में जा रहे हैं दोस्तों, आई होप टाइम पे पहुंच जाए, ब्रेक पैड चेंज हो जाए। ब्रेक पैड भी दोस्तों अगर ना चेंज हुए, ब्रेक पैड तो हम बाद में भी चेंज करवा लेंगे, लेकिन मुझे इसका प्राइस वगैरह जानना है यार, मुझे अपडेट लेनी है भाई कि कोई अपडेट है इस इशू पर या नहीं है। तो दोस्तों जो भी होता है मैं आपको बताऊंगा, एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इसकी रीच बढ़े एंड ये और भी लोगों तक पहुंचे जो मिट्योर 650 को ख़रीदने वाले हैं या ख़रीद चुके हैं, ताकि उनको इस इशू के बारे में पता चले यार, उनके पैसे थोड़े सेव हो जाए। वरना भाई देखो जिन ओनर्स के पास ये है वो परेशान हो गए हैं, मैं हूँ भाई, मेरे को तो भाई बहुत बेकार लग रहा है। मतलब यार एक राइड के बाद ही इसको बदलवाना पड़ेगा, तो यार कितनी गलत बात है। तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा दोस्तों, एंड सही बता रहा हूँ ईमानदारी से दोस्तों, अगर ये जल्दी ठीक नहीं करवाया आरी वाले तो शायद मुझे यार इस बाइक को सेल ऑफ करना पड़ेगा, एंड मैं कर दूंगा भाई देखो ठीक है, क्योंकि मनी इज़ ऑफ कोर्स द कंसर्न। बट दोस्तों सोचो मैं किसी लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ 5-10 हज़ार किलोमीटर पे, तो यार मैं तो इस चीज़ के लिए परेशान होते रहूँगा ना कि भाई चेन सॉकेट। तो मतलब यार बेकार सी चीज़ है भाई ये। दोस्तों जो भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भाई यार हमसे तो सर्विस सेंटर वाले पैसे मांग रहे हैं इस चीज़ को चेंज करवाने के लिए, तो दोस्तों उनको मैं बताना चाहूँगा, देखो यार सर्विस सेंटर वाले फ्री में आपको नहीं चेंज करके देंगे, मैं बता, क्योंकि यार देखो उनको अपना बिजनेस करना है, उनको पैसे कमाने हैं आपसे। तो मैंने क्या करा था दोस्तों, देखो मैंने तो सीधा उनसे बात करी जिनसे मैंने बाइक ली थी, शोरूम मैनेजर थे और वो बहुत बढ़िया थे भाई, उन्होंने मतलब वहीं आके बिल्कुल हेल्प करी, सब कुछ मेरे लिए सॉर्ट करवाया। तो मैं आपसे रेकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप सीधा आप जाओ जहाँ से आपने बाइक लिया, जिस शोरूम से आपने बाइक लिया, आप वहाँ पर कंप्लेन करो, वहाँ पर मैनेजर से बात करो, वो आपके लिए इसको सॉल्व करवा के देंगे दोस्तों। तो परेशान होने की बात नहीं है। बाकी दोस्तों पूरा प्रोसीजर जानने के लिए पुरानी वीडियोस देख लेना, आपको मिल जाएगी, उससे आपको सारा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। एंड दोस्तों इसके प्राइसेस सुन सुन के तो भैया मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि भाई सर्विस कॉल देखो दोस्तों फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है समझते हैं, लेकिन यार कुछ चीज़ें ना फालतू की होती है, तो ये फालतू का इशू है भाई ये, इतनी कम कौन सी बाइक चलती है यार। एंड दोस्तों देखो एक बार ही तो इन्होंने सॉल्व करवा दिया शोरूम वालों ने, लेकिन वो हर बार थोड़ी ना करवाएंगे भाई उन, क्योंकि यार ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, है ना। तो आज ही कोई एक्शन लेना चाहिए भाई इसके ऊपर, बिल्कुल लेना चाहिए, कोई अपडेट देना चाहिए, अपने पेज वगैरह पे बताना चाहिए, क्योंकि भाई फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है। एंड सुन रहे थे भाई बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा R&D चल रही थी तब ये बाइक आई है, एंड आई एम नॉट श्योर उसके बाद भी यार इतना बड़ा फॉल्ट कैसे आ गया इस बाइक में, उन्होंने चला के नहीं देखी पता नहीं क्या। बाकी दोस्तों यार बाइक तो देखो काफ़ी अच्छी है नो डाउट, बट यार ये थोड़े थोड़े मेजर जो इशू है ना यार, वो काफ़ी मेजर इशू है। कुछ दोस्तों की मैं सुन रहा हूँ इसके ब्रेक पैड बहुत जल्दी घिस रहे हैं, तो यार देखो अब ब्रेक पैड आप बदलवाने जाओगे, 5-6 हज़ार रुपये के ब्रेक पैड बदलेंगे इसके दोनों मैं बदलवा चुका हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ 5-6 हज़ार रुपये के ब्रेक पैड बदलेंगे दोनों के दोनों, तो काफ़ी मोटा आपका ना खर्चा हो जाएगा। अब मैं बदलवाने जा रहा हूँ, पीछे का बदलवाया था मैंने 3 हज़ार रुपये लगे, ठीक है आगे का बदलवाने जा रहा हूँ वो शायद 2100-2200 मतलब पता नहीं 2500 शायद लग जाएगा, है ना। अभी मेरी बाइक चली है 6300 किलोमीटर, मैं 10 हज़ार रुपये सर्विस कराने जाऊँगा, फिर 5-6 हज़ार रुपये का बिल बैठेगा। तो ये चीज़ है इस बाइक के साथ, खैर ये सब तो देखो दोस्तों बनता है, फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है, लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं बनती है उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो अब जल्दी से दोस्तों सर्विस सेंटर चलते हैं, प्राइस पूछते हैं, क्योंकि यार
इन चीजों का प्राइस ना, ये जो चेंज पॉकेट जो मेन इशू है इसका प्राइस यार मेरे लिए तो ये डिटरमाइन करेगा कि मैं इस बाइक को रखने वाला हूँ या नहीं रखने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों सोचो ना, अगर मैं एक राइड करता हूँ, मान लो मैं कोई लद्दाख भी जाता हूँ, 5-6 हज़ार किलोमीटर मेरी बाइक चलती है, तो पहले तो मैं जाने से पहले सर्विस कराऊंगा, 5,000 रुपये लगाऊंगा, है ना, 5,000 रुपये लगाऊंगा। उसके बाद मैं आने के बाद सर्विस कराऊंगा, 5,000 रुपये लगाऊंगा, और उसमें तो शायद ज़्यादा ही लग जाए क्योंकि ब्रेक पैड वगैरह भी चेंज होंगे, है ना। तो 5,000 ब्रेक पैड की कॉस्ट, 4-5 हज़ार रुपये सर्विस, 9,000 हो गए। और अगर गलती से आपकी बाइक 10,000 किलोमीटर चल गई तो आपको लग जाएगा चेंज सॉकेट का भी इशू, तो उसके जोड़ लो 12-15 हज़ार रुपये या जो भी अभी कॉस्ट होती है, बताता हूँ मैं आपको। तो भैया सोच सकते हो 25,000 रुपये लग जाएंगे भाई आपको एक सर्विस कराने के लिए। तो मतलब 10,000 किलोमीटर चलाने की कॉस्ट इसको आएगी 25,000 रुपये। यार कैन यू इमेजिन भाई, क्या मजाक चल रहा है यार। तो भाई इसलिए मैं तो जा रहा हूँ, पूछ के आ रहा हूँ, आपको भी बता दूंगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि उससे मिलती है मोटिवेशन ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। मैं उसी सर्विस सेंटर जा रहा हूँ दोस्तों जिन्होंने चेंज पॉकेट चेंज करा था, क्योंकि उनको प्राइस वगैरह पता होगा, है ना। काफ़ी जगह पे इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, अभी ये नई बाइक है, इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी इशू हो रहा है। तो वहीं चलते हैं अब सीधा और वहीं पूछते हैं। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ एक मेजर चीज़ जो मुझे पूछनी है ना यार सर्विस सेंटर से, तो दोस्तों क्लासिक में ये होता है, जैसे आप मान लो आपकी चेन एडजस्टमेंट के लिए जगह नहीं बची ना, तो भाई चेन सॉकेट पूरा चेंज करना पड़ता है, राइट। लेकिन कुछ बाइक्स में क्या होता है, जो उनकी चेन होती है ना उसको काट के वो छोटा कर देते हैं, मतलब उसके अंदर एक वो होता है, तो उसके जो कड़ी होती है उसको काट के वो छोटा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ बाइकों की चेन के साथ ना अच्छी चीज़ ये होती है कि दोस्तों जब चेन टाइट करने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए जगह नहीं बचती, तो वो चेन काट के छोटी कर देते हैं, राइट। उसके अंदर पीछे जोड़ने का होता है इंतजाम, उसको तोड़ कर छोटी कर देते हैं चेन को, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा। तो यार इस बाइक के साथ वो है या नहीं है मुझे ये भी नहीं पता है, तो मैं वो भी पूछने वाला हूँ आज। अगर वो होता है, अगर मान लो चेन भी छोटे हो जाते हैं, तो भी इंटरवल बढ़ जाएगा दोस्तों कि भाई ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम के लिए चल पाएगी ये बाइक। तो काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे यार मुझे, तो मैंने कहा यार सोच एक बार पूछ के ही आना चाहिए, क्योंकि यार बाइक तो देखो नो डाउट दोस्तों बहुत सुंदर बाइक है यार, मतलब आप कहीं से भी लेके जाओ लोग देखते हैं भाई आवाज़ बहुत बढ़िया है, इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छी है। लेकिन यार ये इश्यूज भी हमारे को देखने पड़ेंगे ना दोस्तों। सो दोस्तों बात करते करते हम आ गए हैं सर्विस सेंटर, और देखते हैं भाई हमारा काम आज हो पाता है या नहीं हो पाता। होप सो हो जाएगा यार, सर्विस वगैरह तो है नहीं, ब्रेक पैड है, चलो पूछते हैं बाकी। वरना जो इन्फॉर्मेशन लेने आए वो तो लेके जाएंगे यार पक्का, वो तो बताना चाहिए इनको। चलो भाई घुस जाते हैं। ओहो ओहो ओहो, भैया क्या हाल है? बढ़िया, क्या हुआ? बस ब्रेक पैड चेंज करा रहे हैं। हाँ अच्छा, वो भैया चेन सॉकेट वाले पे कोई अपडेट है इसकी? नहीं वो तो चेंज हो गया, लेकिन वो कोई कंपनी से आ रहा है कि, क्योंकि बहुत जल्दी घिस रहा है ये तो। अब थोड़ी होगा, नया वाला अलग चीज में कराया थोड़ा। अच्छा नया वाला अलग है, इसकी कॉस्ट क्या आती है भाई? चेन सेट की? हाँ चेन सेट होगा, क्रॉक्स आपका 3500। 3500 भैया, पूछ के आता हूँ उनसे, ठीक है अब हो जाएगा ना वो। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, पूछता हूँ एक बार उनसे। तो दोस्तों बाइक हमने वहाँ दे दिया, अगर 3500 है तो भैया तो मज़ा आ जाएगा। तो हम इनसे पूछते हैं कॉस्ट, चेन पॉकेट की कॉस्ट क्या है सुपर मीटियोर की? साढ़े पाँच हज़ार, चेक कर सकते हो भैया एक बारी, क्योंकि इशू आ रहा है काफ़ी ना थोड़े दोस्तों को। तो भाइयों आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है, अभी मैंने पूछा है 1200 रुपये की इसकी चेन है, 500 रुपये इसके आगे वाला जो होता है सॉकेट छोटा सा गरारी, और 800 रुपये का पीछे वाला, तो 2500 रुपये में आपका काम हो जाएगा। One eternity later. So भैया बाइक आ गई है वापस खर्चा करवा कर दोस्तों। और भाई मतलब मैं बताऊँ आपको यार, थोड़ी सी गुड न्यूज़ है, थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ तो कुछ है नहीं खैर एज सच, बट गुड न्यूज़ है दोस्तों, अभी बताता हूँ आपको क्या है। पहली बात तो आपको थोड़ा सा दुख वाली खबर दूँ भाई साहब, फ्रंट ब्रेक पैड चेंज हुए हैं भाई साहब, 3500 रुपये लग गए, 3500 रुपये फ्रंट ब्रेक चेंज करवाने के लिए बिल आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों 2800 रुपये की खाली ब्रेक पैड है, उसके ऊपर GST वगैरह अलग अलग कर भाई वो बन गए 3100, और 400 कुछ समथिंग लगे हैं लेबर और इसमें जो ऑयल वगैरह डलता है, तो टोटल मुझे ये पड़ा है 3538 रुपये का सिर्फ ब्रेक पैड चेंज करवाना, 3538 रुपये का। लेकिन दोस्तों अच्छी चीज़ ये है कि चेन पॉकेट जो है इसका, जिसका कुछ लोग कह रहे थे भाई 5000 लगेंगे, 10000 लगेंगे, 15000 लगेंगे, 5000 तो मैं खुद कह रहा था भाई, क्योंकि मुझे यही बोला गया था जो भैया बदल रहे थे, 5000-6000 रुपये लगेंगे।
तो बोल रहे थे 20,000 तक के बोल रहे थे, वो यार बहुत सस्ता है, सस्ता तो नहीं बट ठीक लगा मुझे इस बाइक के हिसाब से। तो जैसा आपने देखा होगा 1200 रुपये की इसकी चेन आती है, 500 रुपये की इसकी आगे वाली गरारी जो होती है वो आता है, एंड 800 रुपये का पीछे वाला आता है, तो टोटल हो जाते हैं 2500 रुपये। उसके साथ साथ दोस्तों जब आप इसको चेंज कराते हो 1000 रुपये की आपको लेबर लगेगी, तो 3500 रुपये में आपका जो है चेन स्प्रॉकेट चेंज हो जाएगा। तो यार ठीक है भाई, अब इस बाइक को हम रख सकते हैं, ठीक है 10,000-12,000 चलाने के बाद अगर 30-35, या देखो वैसे तो ये ठीक नहीं है, आदि को अपडेट देना चाहिए, बट इन वर्स केस सिनेरियो अगर मान लो कि भाई कोई अपडेट नहीं आता है और हमारे को इसको चलानी पड़ती है ऐसे ही, तो ठीक है 10,000-12,000 किलोमीटर चलाने के बाद हम बदलवा लेंगे चेन स्प्रॉकेट, नो इशू विद दैट, ठीक है। बट गलत है, गलत तो गलत है भाई, कम से कम 20-25,000 पे चलता है भाई। तो दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा था, वो भैया बोल रहे थे कि यार जो नए चेन सॉकेट जो डाले कंपनी ने वो दूसरे हैं एंड वो ज़्यादा चलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, कोई चेंज नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल कंपनी ने, जो पहले आता था वही डाल के दे दिया है मुझे, तो कोई अपडेट नहीं हुआ है इसमें, ठीक है, तो उस चीज़ को माइंड मत करना। हाँ, उसके बाद मैंने ये पूछा कि भाई इसकी चेन को तोड़कर छोटा करा जा सकता है, तो भाई हमारे सैफ भाई है बहुत बढ़िया बंदे हैं, उन्होंने बताया कि भाई वो ना हल्की बाइकों में होता है, इन बाइकों के साथ जो कि हैवी बाइक है इनके साथ ये रिस्क नहीं लेते, तो भाई इन केस अगर आपकी इन केस एडजस्टमेंट का वो ख़त्म हो जाता है तो चेन स्प्रॉकेट ही पूरा डलता है, चेन छोटी नहीं हो सकती। तो ये भैया आप लोग याद रखना, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि ऐसे कर लो, बट दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों मुझे थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है भाई, 3500 रुपये के ब्रेक पैड, अरे भाई मिटियोर 350 के 2500 के आ जाते थे यार, 2500 रुपये के 3500 रुपये के भाई ब्रेक पैड, बट ठीक है कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं, हम महंगे शौक लिया तो पालने में पड़ेंगे, 3500 रुपये के ब्रेक पैड दोस्तों। बट यस, चेन स्प्रॉकेट के प्राइस ने मुझे थोड़ा अच्छा खुश करा, तो ये अच्छी चीज़ है। एंड दोस्तों एक और मेजर अपडेट दोस्तों, जो इसके क्या कहते हैं यार उनको, स्पार्क प्लग, तो दोस्तों जो इसके स्पार्क प्लग हैं उसको कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मेरे लिए चेंज करा है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि यार जो पुराने स्पार्क प्लग थे उसमें मिसिंग मार रही थी बाइक, ठीक है, मुझे इतना तो पता नहीं चला दोस्तों, लेकिन उन्होंने जो बताया मुझे तो पहले बाइक मिसिंग मार रही थी, तो अब अपडेट आया न्यू स्पार्क प्लग का, तो जो अभी बाइक में इन्होंने डाले हैं वो है हमारे न्यू स्पार्क प्लग दोनों साइड के, तो भैया ये बहुत बढ़िया चीज़ है, गुड जॉब आरी, एंड आई होप आप ऐसा ही करते रहें एंड चेन स्प्रॉकेट वाला इशू भी जल्दी से सॉल्व करें। एंड दोस्तों आप ये भी सोचोगे कि यार 3500 या फिर 3000 के ब्रेक पैड डलवाने की क्या ज़रूरत है, मिटियोर 350 के भी डलवा सकते थे भाई तुम, 250 रुपये में डल जाते है ना, तो यार मैंने उसके बारे में सोचा दोस्तों, बट मैंने कहा यार नहीं यार रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि देखो दोस्तों जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उसके लिए बनी है, राइट, एंड मान लो मैं भाई राइड कर रहा हूँ हाई स्पीड पे, ब्रेक में कोई दिक्कत आ जाए तो यार वही वाली बात है ना, सेफ्टी आ जाती है यार, तो सेफ्टी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते दोस्तों, एंड मुझे लगता करना भी नहीं चाहिए। बाकी अगर आप कहोगे तो दोनों ब्रेक पैड मिटियोर 350 के डलवा कर भी एक ब्रेकिंग टेस्ट कर लेंगे अगर आप सिर्फ कहोगे तो, राइट, तो वो तो देखो दोस्तों आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि भाई इसके ही डलवाता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा है ना, क्योंकि यार सेफ्टी ज़रूरी है। शाम हो गई है दोस्तों, चलते हैं घर, निकलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड सेफ राइड।